प्यारे बच्चों गणित भागो, डर तो नहीं गए गणित का नाम सुनकर? प्यारे बच्चों गणित के नाम सुनकर अधिकांश बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे डर जाते हैं वास्तव में अभ्यास नहीं करते हैं। तो मैं आपके पास लेकर आया हूं 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी क्लास से। प्यारे बच्चों ये कैसा प्रश्न है? तो एक ऐसा प्रश्न जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं उसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। अगर इतना आ गया तो भैंस चराने वाला भी गणित में पास हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर ये आसान से आसान ऑब्जेक्टिव, मैं फिर से एक बार बता दूँ कि इसको याद किया जाता है। आप लोग सोचिएगा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, गणित को याद कहाँ किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है? प्यारे बच्चों मैं भी बहुत साल से गणित को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि गणित में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं और उनको समस्या हो जाती है इस बात को लेकर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट होता है, बिहार बोर्ड भी जो है ना, वह बच्चों को मौका देता है, जो थोड़ा कमजोर भी बच्चे हैं तो ऐसे आसान आसान प्रश्न पूछ देता है जिसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसको याद होना चाहिए और वह व्यक्ति पास हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर इतना भी नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि इस साल आप फेल होने वाले हैं, अगर आ गया तो समझ जाइएगा कि आप पास होने वाले। आप गणित में अगर बहुत तेज है तो इसको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर आ सकते हैं। तो ज़्यादा बिना कोई देरी के हम लोग चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर, और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जो कमेंट करता है उसका मैं नाम लेता हूं। तो SMS मिक्स करके एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, नाम है सागर कुमार, सबसे पहले वे कमेंट करते हैं। तो फिर अब अगले ये वाला जो प्रश्न है, मैं अंत में आपको एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा, मैं इन प्रश्नों के अलावा जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको देना है, जो सबसे पहले उसका जवाब देगा उसको मैं कौन बनेगा पंचटकिया पट्टी में कुरकुरे खाने के लिए 5 रुपये का प्राइज भी दूंगा। कैसे दूंगा आप लोग फ़ोन पे नंबर दे दीजिएगा, कमेंट में वहाँ से भेज दूंगा। खैर चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। क्या लगता है कौन सा जवाब सही होगा? तो इस अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे बच्चों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। अब आप सोचिएगा ये दिखिए कैसे हो गया। प्यारे बच्चों संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या, ये जो 2 है ना, ये 2 जो है भाज्य संख्या है जी, ये अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, लेकिन फिर भी ये अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड में 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कुछ बनाने का, न्यूमेरिकल बनाने का, कुछ कॉपी पेन का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का जरूरत है। तो आज का वीडियो कॉमन सेंस वाला ही, इसलिए मैं बताया हूँ कि बस इतना कंप्लीट हो गया था आगे पास हो जाइएगा। तो पाई क्या है? प्यारे बच्चों पाई क्या, ऑप्शन ए एक अपरिमेय संख्या, बी है एक परिमेय संख्या, सी एक पूर्णांक संख्या, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो मुझको लगता है कि 100% बच्चे इसका सही जवाब जरूर जानते होंगे। पाई क्या है प्यारे बच्चों? सही ऑप्शन ए है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए इसमें क्या बनाने की जरूरत है, क्या आपको रफ करने की जरूरत है? मैं ऐसा ही आज प्रश्न पूछने वाला हूँ कि इतना कंप्लीट हो गया तो इतना तो कम से कम होगा कि 5 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद से आप पढ़िएगा तो अच्छा नंबर ला दीजिएगा। हालांकि वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तो मैं आपको बार बार तरीका बताते रहूँगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि संख्याओं के LCM तथा HCF बराबर हैं। मान लीजिए कि 2 संख्या है जिसका LCM और HCF दोनों बराबर है, तो ये संख्याएँ क्या हैं? ऑप्शन ए अभाज्य है, बी है बराबर, सी है अभाज्य, स अभाज्य और डी है संयुक्त। प्यारे बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बराबर होंगी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि 2 संख्या है, जैसे कि 1 संख्या है 5, फिर एक और संख्या ये भी है 5। अब इसका LCM निकालिएगा तो 5 ही आएगा, और HCF निकालिएगा तो 5 ही आएगा। तो जब LCM और HCF बराबर होंगे तो संख्या बराबर होगी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, बदले में मैं आपको फोन पे से कुरकुरे खाने के लिए पैसे दूंगा। तो अलग है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, और ये ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ऑप्शन ए है 5/19, बी है 23/196, सी है 21/121, और डी है 7/140। तो क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा 7/40। अब आप सोचिएगा कि सर ये कैसे हो गया, तो इसका मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप बटा के नीचे जो होता है ना हर देखिएगा, इसमें क्या है हर 19 है। तो जो 19 हर है प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा कि 5 और 2 के अलावा जो है 19, इसमें ना 2 से भाग लगेगा ना 5 से भाग लगेगा। फिर 196, आप कहिएगा कि 196 में बताइए, तो 196 का अगर देखिएगा तो 14 × 14 होता है 196। फिर 14 में देखिए तो 7 से भाग लग रहा है, मैं क्या बताया हूँ 2 और 5 के अलावा किसी से लगना नहीं चाहिए। 121 में 11 से भाग लगता है, तो ये भी जो है शांत नहीं होगा। अब 40 में 8 × 5 = 40, फिर 8 में 2 से भाग लगेगा और 5, तो 2 × 5 आ गया केवल, तो यही ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आते हैं फिर अगले प्रश्न, ठीक ही कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचिएगा कि बटा के नीचे जो संख्या है उसमें 2 के पहाड़ा पड़ेंगे और 5 के पहाड़ा पड़ेंगे, तब वो संख्या है, इसके अलावा दूसरे कोनो पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक मतलब एक घाती बहुपद, शून्य की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 0। प्यारे बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जितना घात उतना ही शून्यक। अब रैखिक बहुपद में एक घात होता है चर का, तो एक शून्यक होगा, और द्विघाती होगा तो 2 शून्यक होगा, और 3 घाती होगा तो 3 शून्यक होगा। शून्यों का नाम अल्फा बीटा गामा याद तो आपको होगा ही, बहुपद से पूछा गया प्रश्न है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, एक √125 का परिमेयीकरण गुणांक है, मैंने 125 को परिमेय संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाएगा, उसी को कहते हैं परिमेयीकरण गुणांक। ऑप्शन है √2, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √5, ऑप्शन डी है 5/5। क्या बच्चों क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी √5। आप सोचिएगा कैसे, तो प्यारे बच्चों ये जो है रूट अंडर कितना है, रूट अंडर है 125 है। अब 125 है, सोचिए ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा √5 × √5 फिर गुना फिर √5। तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए जोड़ा लगना ना चाहिए, 5-5 का तो जोड़ा लग गया, फिर ये 5 अकेले है तो कितना से गुना कीजिएगा, तो फिर इसको √5 से गुना कीजिएगा तब ना जोड़ा लगेगा जी इसका भी, तो भी रूट इसमें से भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। समझ में आ रही है बात? फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है, बहुपद x²-3 के शून्यक कौन कौन है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो है x²-3, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन देख लो पहले, 3-3, बी है √3 - √3, सी है ये √3 √3, और डी है 3-3। प्यारे बच्चों अब आप सोचिए कि अगर इसका शून्यक निकालना है, तो अगर इस मतलब कि आसान, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैं पहले बता दूं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कैसे, तो सोचिए ये जो x² है, तो x² और −3 = 0 दीजिएगा तो इसका शून्यक निकल जाएगा। अब यहाँ x = क्या हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, और स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि कभी भी रूट का मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो +−√3 हो गया, इसका मान हो गया एक्स का मान जो इसका शून्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी में +√3 और −√3 ऐसे सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि मैं एट द रेट लिखा हूँ, लेकिन समझ के चलिए थीटा है, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं।
कितना डिग्री मान पर साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान बराबर होगा? इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए देख लीजिए, 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री पर। साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो इसी पर दोनों के मान बराबर होंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, किसी प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1, बी है 0, सी है 2, डी 1/2। सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? अधिकतम मान ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए जो 1 होता है अधिकतम मान होता है, और 0 जो होता है प्यारे बच्चों वह 0 जो होता है वह न्यूनतम मान होता है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो परिणाम की संख्या संभव सभी परिणाम कितने होंगे? ऑप्शन है 3, बी है 10, सी है 6, डी है 8। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8, है ना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जब वृत्त का परिधि का अनुपात दे या त्रिज्या का अनुपात दे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता है तो क्या करना होता है, मैं बताऊंगा, पहले आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन है 4:5, बी है 5:4, सी है 16:25, डी है 25:16। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 16:25। कैसे होगा 16:25? तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात दे तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अभी क्या लिखा है? लिखा है 4:5, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। फिर आते अगले वीडियो अगले नंबर पर, 12 नंबर है। आठ त्रिज्या वाले अर्ध गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने TSA का मान बताना है, किसके? अर्ध गोला का। तो सही जवाब क्या लगता है क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 4πr², बी है 3πr², सी है 2πr² और डी है πr². पहले बच्चों क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, 3πr². फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 9। क्या बच्चों क्या सही जवाब इसका क्या होने वाला है? आप लोग तो इसको पता जरूर बताए होंगे कि ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब आप लोग देखिएगा, एपी से क्वेश्चन है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर डी क्या है? डी का मान क्या होता है? सार्वंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए क्या है? 2। अब इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बताया जाता है, 1 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। सी है 6, डी है 8। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा सी, 6। अब देखिएगा, ये जो पहला है उसे दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है? 6। 4 से 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, या फिर बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा तो फिर 6 आएगा, यही सर्वांतर होता है। फिर √3 बराबर है कितना के? ऑप्शन ए है 10 60 डिग्री, बी है cos 45 डिग्री, सी है sin 30 डिग्री, डी है 10 30 डिग्री। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सही जवाब होगा 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है x निर्देशांक, b है y निर्देशांक, c है निर्देशांक अक्ष, d में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन b, y निर्देशांक। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी बिंदु के x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। फिर आते हैं अगले नंबर पर। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कितना पूरा टोटल में से कितना सही हो रहा है, 30 प्रश्न मैं दूंगा उसमें से कितना आपका सही हो रहा है। बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? याद रखिए ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। आप लोग तो इसके बारे में बताए जानते होंगे कि ये जो है चतुर्थांश है, ये वाला जो है पहला चतुर्थांश है, ये वाला जो है दूसरा है, और ये वाला जो है तीसरा है, और ये वाला जो है चौथा है। इधर होता है प्लस, इधर होता है प्लस, और इधर क्या होता है माइनस और माइनस। ये दूसरा में देखिएगा, एक्स अक्ष में माइनस और प्लस आता है, तो माइनस प्लस किस में आता है? किस में? तो 2 नंबर में आता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसको पाद भी बोलते हैं, द्वितीय पाद। फिर जाते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 9:25, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? इसमें भी बनाने वाला कोई बात नहीं है, एक सेकंड में आंसर दीजिए। ए है ऑप्शन 3:5, बी है 5:3, सी है 9:25, डी है 25:9। तो क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा 3:5। अब 3:5 कैसे होगा अगर आप लोग सोचिए, तो इसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ कि 3:5 कैसे होगा। तो जब भुजा दे, क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दे तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए रूट दे दीजिएगा। अब ये है 9 है, तो रूट अंदर 9 अनुपात रूट अंदर 25। क्या लगता है 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 25 का 5। 3:5 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्या लगता है एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ये सारे जो सवाल है ना, भैंस बनाती है मेरी, समझे आप लोग? तो आप लोग से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं आप। अगर आता है तो समझ लीजिएगा कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है अनेक। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनेक। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। फिर आगे प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उसकी लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए है असमान, बी है समान, सी है दुगुनी, डी है आधी। प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा क्या, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समान। जो वृत्त होता है उस पर बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है दो, तो दोनों जो है एक बराबर लंबाई की होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 180 डिग्री, सी है 360 और डी है 270। क्या सही लगता है आपको, जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 360 डिग्री। वृत्त का केंद्र जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है और अर्धवृत्त 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ? वृत्त पर। लेकिन उसके और जैसे एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है, लेकिन एक बिंदु जो होती है वह 360 डिग्री, तो वृत्त का केंद्र के बिंदु होता है 360 डिग्री का कोण बनाएगी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधि का अनुपात। याद रखना बच्चों, त्रिज्या को बढ़ाने से परिधि में कोई अनुपात में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर हो जाता है। तो मान लीजिए कि पहले वृत्त की जो त्रिज्या थी, जितनी भी थी, उसको नया वृत्त में 3 गुना किया गया है, तो नायका के पहले और पुरनका के बाद निकालना था। नायका कितना है? 3 गुना, और पुरनका कितना था? 1 गुना था। तो इनका सही अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 1:2, बी है 3:1, सी है 4:1, डी है 1:4। सही अनुपात, सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? मैं इतना तरीका भी बता दिया, ये तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कम से कम। बी है ऑप्शन इसका 3:1। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। वृत्त द्वारा बनाए गए वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला हो गया है, तो इसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। वाले नहीं होगा, इसका क्या होगा? वलय। क्या होगा? वलय, 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 है ना? वाले नहीं, क्या? वलय। क्या चीज प्यारे बच्चों? तो वलय का आपको क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया है, ये वलय। माउस से लिख रहा हूँ, लिखने में गड़बड़ हो जा रही है, आप लोग मत समझिएगा। तो इसका ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, इसका ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन ए है पाई आर स्क्वायर, बी है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, सी है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, डी में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों वलय जो होता है वास्तव में एक केंद्र है और ये दो वृत्त हो गया है ना, ये तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये चक्री वाला हिस्सा, इसी को वलय कहते हैं। इसका जो है सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या? ऑप्शन बी, यही इसका सही जवाब होगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों? सी एस ए, बेलन का सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया का मान निकालना। ऑप्शन ए है 2πrh, बी है 2πr इंटू एच प्लस आर। क्षेत्रमिति से काफ़ी सारे सूत्र भी पूछ दिए जाते हैं, है ना? इसमें भी कुछ याद करने की ज़रूरत है, तो इसको भी याद करने के लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आज वीडियो देख रहे हैं, आज ही याद हो जाएगा, फिर कभी भूलिएगा नहीं, है ना?
बस टेंशन मत पाल लीजिए, सी है टू पाई आर इंटू आर प्लस डी है पाई आर एच। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए, टू पाई आर एच। ये सी एस होता है बेलन का। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रूट सात एक संख्या है कैसी? ऑप्शन ए परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है पूर्णांक, डी है प्राकृत। सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सही जवाब होगा इसका बी, अपरिमेय संख्या है। रूट पाँच, रूट दो, रूट सात अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रूट दो किसके बराबर है? रूट दो किसके बराबर है? साइन 60 डिग्री ऑप्शन ए है, बी है साइन 45 डिग्री, सी है साइन 30 डिग्री, डी है 1/(sin 45°). इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सही है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है, √3/2 होता है। साइन 45 डिग्री का कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। लेकिन ये बाटा के नीचे है ना, तो ये प्लट जाएगा, तो ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा, तो इस एक से एक कट गया ना, तो साइन 45 डिग्री का मान अब 1/1 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2। 1/sin 45° का मतलब कौशेक 45 हो गया, तो कौशेक 45 से भी समझ सकते हैं ये जो कौशेक जो है 45 डिग्री, इसका भी मान से आप समझ सकते हैं कि √2 होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, कोट थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो कोट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। इसमें याद करने की चीज़ है। सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यानी कि दो त्रिभुज जो होती है उनकी अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। किसने कहा? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है थेल्स, सी है पाइथागोरस, डी है आर्यभट्ट। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा थेल्स, ये थेल्स ने कहा था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं 12, 17, 81, 26, 29, 42, 57, 65 का परिसर क्या है, रेंज मने परिसर क्या है? ये प्रश्न जरूर पूछता है हर एक साल, लेकिन ये आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चे जो है जो नहीं जानते हैं सेट नहीं बनाए कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन ए है 12, बी है 62, सी है 81, डी है 69, 69। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो इसका प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन डी 69। अब पूछिए कैसे होगा आप लोग देखिए, सबसे छोटा 12 है और सबसे बड़ा ढूंढिए कितना है, तो सबसे बड़ा 81 है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे बड़ी संख्या कितना है? तो 81 है, उसमें से घटा देना है सबसे छोटी, इसमें चुन लीजिए 12, घटाने के बाद कितना आएगा प्यारे बच्चों? घटाओ आपको पता होगा तो ये 69 आ जाएगा, यही इसका परिसर होगा। तो फिर आते हैं लास्ट प्रश्न में कि दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या है? कोई संख्या लगातार है जैसे कि मान लीजिए कि 3, 4 या 5, 6, यही ना लगातार संख्या है, तो इसका मौसम क्या होगा? ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 0, डी है 1। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या लगता है क्या होगा? इतना हम हिंस दे दिए हैं, इसका सही जवाब होगा कोई भी लगातार दो संख्या होगी उसका सही जवाब होगा 1। दो लगातार संख्या का मौसम हमेशा एक ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये 30 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए आपको बताना है कमेंट में, ठीक है ना। फिर आते हैं मेरे मन का जो प्रश्न है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सब आपके टीचर जो भी पढ़ाए होंगे जरूर बताए होंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको ₹5 का फोन पे में प्राइज मिलेगा, पुरस्कार कोई छोटा नहीं होता है, कुरकुरे खाने के लिए, ताकि मूड फ्रेश रहे, बच्चा बढ़िया से तैयारी कर पाए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा यहीं चीज़ की जय हिंद और जय भारत।